भारतीय संस्कृति की दृष्टि से देखें तो संघर्षों के सोपानों पर चढ़कर सफलता प्राप्त करने वाले युवा कहलाते हैं। लाखों वर्षों तक कोयला घिसा जाता है तो हीरा बन पाता है, भट्टी में सोना तपा जाता है तो कुंदन बन पाता है, प्रकृति के प्रतिरोधों को सह सकने वाला बीज वृक्ष बन पाता है और धाराओं को चीरने वाला तैराक बन पाता है। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितने भी उदाहरण हैं, वो सारे के सारे युवा व्यक्तित्व के, युवा सोच के, युवा चिंतन के उदाहरण हैं। संघर्षों को सौभाग्य की तरह वर्णन करने वाले युवा कहलाते हैं, क्योंकि हमारे देश में युवा उम्र से नहीं दृष्टिकोण से तोले जाते हैं। हमारा देश अद्भुत देश, जिनका जीवन ठहर गया है, जिनका उत्साह ठंडा पड़ गया है, जिनके अंदर क्रांति की संभावनाएं जन्म नहीं लेती, जिनके मन में समाज को बदलने की, संस्कृति को उठाने की, राष्ट्र को बढ़ाने की सोच करवटें नहीं बदलती, जिनकी रगों में उमंग का, उत्साह का, उल्लास का उबाल नहीं आता, जिनके हृदय में दुखियों को, पीड़ितों को देखकर दया नहीं आती, करुणा नहीं आती, वो 18 के हों, 20 के हों, 22 के हों, फर्क नहीं पड़ता, उनका यौवन चला गया है, जवानी खो चुके हैं, वो लोग बूढ़े हो चुके हैं। और वहीं पर यदि व्यक्ति 60 का है, 80 का है, 90 का है, 120 का है, यदि उसके मन में राष्ट्र के निर्माण की, संस्कृति के उत्थान की, यौगिक उत्कर्ष की बात आती है, तो हमारी दृष्टि में युवा है, क्योंकि हमारा देश उमंग से, उत्साह से, उल्लास से ओतप्रोत युवाओं का देश है। एक ऐसा देश है जहां पर 89 वर्ष की उम्र में गोस्वामी तुलसीदास रामचरित मानस लिखने के लिए बैठते हैं। एक ऐसा देश है जहां पर 120 की उम्र में तैलंग स्वामी दीक्षा ग्रहण करते हैं, 118 की उम्र में नागार्जुन समाधि की यात्रा पर निकलते हैं, और 4 वर्ष के ध्रुव, नचिकेता, प्रहलाद, लिस्ट एकदम इनॉर्मस है, उपमन्यु, दालक, श्वेत केतु, अष्टावक्र, ये सब जन्म से योग का ज्ञान लेकर के आते हैं। क्योंकि हमारे देश में युवा होने का मतलब उम्र की निर्धारित कैटेगरी में होना नहीं होता। हमारे देश में युवा होने का मतलब राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, संस्कृति के प्रति सही जज्बे का और सही जोश का होना होता है। और दोस्तों, आज की तारीख में अपना देश, अपना समाज ऐसे युवाओं की तलाश बड़ी शिद्दत से कर रहा है, बड़े दिल से कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज की परिस्थितियां बड़ी भीषण और भयावह हैं। कहने को कोई महाभारत का रण नहीं सजा है, कहीं कोई देवासुर संग्राम नहीं हो रहा है, कहीं कोई कुरुक्षेत्र में पांचजन्य नहीं बजा रहा है, कहीं कोई रावण, कहीं कोई दुर्योधन, कहीं कोई महिषासुर त्रिलोक पर कब्जा करके नहीं बैठ गया है। पर आज की तारीख में जो भीषण परिस्थितियां हैं, उसमें देवासुर संग्राम भी इंसान के मन के भीतर है और कुरुक्षेत्र भी इंसान के मन के भीतर है। जितनी चीख चिल्लाहट, जितनी घबराहट, छटपटाहट, हाय हत्या, मारकाट आदमी के मन के भीतर चल रही है, उतनी तो कुरुक्षेत्र के मैदान पर भी नहीं थी। आज का इंसान आलीशान मकान लेकर के बैठा है, करोड़ों के ढेर लेकर के बैठा है, सुख सुविधाओं के अंबार लेकर के बैठा है, पर भावनात्मक रूप से तो रिक्तता लेकर के बैठा है। 9 मंजिल का मकान बना करके बैठा है पर परिवार को तो भुला करके बैठा है, चंद्रमा पर जाने का यान बना करके बैठा है पर माँ को तो भुला करके बैठा है, महंगे अस्पताल लेकर के बैठा है पर सेहत तो गंवा करके बैठा है, यूएस की डिग्री लेकर के बैठा है पर कॉमन सेंस तो भुला करके बैठा है, और सबसे बड़ी बात कि जनसंख्या बढ़ा करके बैठा है पर मानवता को तो गंवा करके बैठा है। तो दोस्तों, यदि ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा जैसा आज हम देख रहे हैं, तो हम अपने बच्चों के लिए शमशान घाट छोड़ करके जा रहे होंगे। हमारे बच्चे हमें कभी माफ नहीं करेंगे। इस दुनिया को बदलने की आवश्यकता है, इस दुनिया को बदलने के लिए ऐसे व्यक्तित्वों की आवश्यकता है जिनका जीवन उन प्रकाश स्तंभों की तरह से हो जो भटकते राहियों को दिशा दिखा सके, जिनका जीवन उन टिमटिमाते दीपों की तरह से हो जो घटाटों पर अंधियारे से लड़ने का साहस रखते हो, जिनका जीवन उन नींव के पत्थरों की तरह से हो जो अपने कंधों पर इमारतों को उठाने का दम रखते हो, जिनका जीवन उन नाव के मस्तूलों की तरह से हो जो धाराओं को चीरने का साहस रखते हो, जिनका जीवन पूज्य गुरुदेव की तरह से हो, एक ऐसे व्यक्ति की तरह से हो जिनने अपने जीवन के 58 वर्ष किसी से मुलाकात नहीं करी और बाकी के 22 वर्षों में 3400 किताबें लिखी हैं और सारी की सारी फ्री अवेलेबल करा दी, कोई ले जाए उसे, नो कॉपीराइट, एनीवन कैन हैव इट। इस तरीके के व्यक्तित्वों की तरह से हो जो लाखों करोड़ों को दिशा दिखाने का साहस रखते हो। मेरी दृष्टि में युवा होने की यही परिभाषा है। जिसका जीवन पवित्रता और प्रखरता की परिभाषा बन जाए वो युवा कहलाता है। और इस देश का सौभाग्य है कि आज हमारी 70% आबादी युवा आबादी, और इस सौभाग्य को दुर्भाग्य बनते देर नहीं लगेगी यदि इतने सारे लोगों को हम लोग दिशा देने से वंचित रह गए। इतने सारे लोगों को यदि हम लोग सही दिशा नहीं दिखा पाए तो इस सौभाग्य को दुर्भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। तो दोस्तों, जो युवाओं का यौवन है, उनकी संघर्षों से लड़ने की क्षमता है, वो धारा है। हिंदी में हम लोग कहते हैं दिशा धारा, वो धारा है, और उसके जीवन को सही दिशा देने का नाम योग का है। उनके अंदर का जो उद्दाम है वो उनके जीवन की धारा है, और उसको समग्रता, संतुलन, स्वाभिमान देने का काम योग का है। योग का अर्थ शारीरिक सौष्ठव से नहीं है, अदरवाइज हर जिम्नास्ट जो है वो योगी कहलाता, पतंजलि योग सूत्र की रचना कोई सर्कस का कलाकार करता। योग का सच्चा अर्थ योगस्य चित्रवृत्ति निरोधा से है, जिसका अर्थ आदमी को मन की चंचलताओं का ठहर जाना है। योग का सच्चा अर्थ
समत्वम योग उच्चते से है, जिसका अर्थ व्यक्तित्व के सभी आयामों का संतुलित हो जाना है, और योग का सच्चा अर्थ योग कर्मसु कौशलम से है, जिसका अर्थ मानवीय संभावनाओं के शिखर पर पहुंच जाना है। तो जब बात युवा योग की है तो मैं यही प्रार्थना करूंगा कि इस कार्यक्रम की जब परिणति हो, जब हम लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहे हो, तो उसका जो शुभ परिणाम इस रूप में निकल करके आएगा, यदि इस देश को भगत सिंह की तरह के योगी मिलेंगे, सुभाष चंद्र बोस की तरह के योगी मिलेंगे, स्वामी विवेकानंद की तरह के योग के योगी मिलेंगे, उनने योग किया हो न किया हो, यदि उनके मन में भारतीयता की भावना थी, समाज को बदलने की भावना थी, तो मेरी दृष्टि में योगी थे, और ऐसी योगी निकल करके आएंगे तो इस देश का, इस समाज का, इस राष्ट्र का भविष्य बिल्कुल नया होगा, नूतन होगा और मंगलकारी होगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।